सबसे पहले आने वाले रमजान के पाक महीने के लिए आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। रमजान के महीने में जो खुशियों का इंतजार सभी को है, हमारे मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को और सभी को, पूरे 11 महीने इंतजार के बाद रमजान का महीना आता है और ऐसे महीने में खास करके उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस यही एक महीने पर निर्भर करती है, हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे ठेले वाले हैं, बंडी वाले हैं, उन लोगों के लिए ये एक ऐसा महीना है जिनसे उनकी बिजनेस रोजी रोटी में इजाफा होता है। तो आज उसी मौके पे आज सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी सीनियर ऑफिसर, हमारे साथ डीसीपी साउथ जोन, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट सीपी स्पेशल ब्रांच, सभी एसएचओ, एसीपी, सिटी सिक्योरिटी विंग के सभी लोग, हम लोग मुआयना करने के बाद जो सिक्योरिटी सेटअप है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के तो के जो इंतजाम हैं, सीसीटीवी कैमरा है, ये सब का जायजा लेने आए हैं। और ऐसे मौके में यहाँ जो आज जुम्मे के नमाज के बाद जो हमारे भाई लोग बाहर निकले, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हमेशा की तरह, हर साल की तरह, रमज़ान के महीने में जो पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से एडिशनल वर्क, एडिशनल इंतजाम किए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक अरेंजमेंट, रात के वक्त पेट्रोलिंग, और जीएचएमसी के साथ मिलकर जहां लाइट की व्यवस्था करनी है वो सब चीज़, रोड की सफाई, ये सब हम लोग करेंगे। और आने वाले समय में आप लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी के साथ हम लोग ये रमज़ान के महीने में अपनी ड्यूटी करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए ये एक बहुत अहम मौका है कि आपके सर्विस में आपको खुश देखने के लिए, आपके चेहरे के पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम लोगों को ये मौका मिला है और हम लोग उसको बाखूबी निभाएंगे। सर, रमजान का नाइट बाजार कब तक करेंगे? बताए, जो हर साल की तरह होता है वैसा ही करेंगे। आईएनएस न्यूज के तमाम ग्रुप मेंबरान को मेरा सलाम। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल आईएनएस न्यूज को आप सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हिम्मत अफजाई है। फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमको सब्सक्राइब करें। जजाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़।